सारा घर जलकर राख हो जाएगा। जब चीचू कवी ऐसा करने जा रही थी तब छोटू तोते ने देख, रुक जाओ चीचू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम तीनों की मेहनत से बनाए इस घर को तुम जलाना चाहती हो? टोनी, लूसी, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ छोटू? चीचू कवि अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा, सच? हाँ, चलो अभी उसकी अकल ठिकाने लाते हैं। उन तीनों दोस्तों ने मिलकर चीचू कवा की खूब पिटाई की, जिससे वो घबराकर वहाँ से फुर हो गई। अब बिना किसी तकलीफ के सभी पक्षी साथ में ही उस घर में रहने लगे।